मित्रों आइए सुनते हैं एक अद्भुत कथा कृपा दृष्टि। मित्रों किसी स्थान पर संतों की सभा चल रही थी तो किसी ने एक घड़े में गंगा जल भरकर रखवा दिया ताकि संत जन को जब भी प्यास लगे तो गंगा जल पी सकें। संतों की उस सभा में उसके बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। उसने गंगा जल से भरे हुए घड़े को देखा तो उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। वो सोचने लगा, आहा ये घड़ा कितना भाग्यशाली है, एक तो इसमें किसी तालाब या फिर नदी का नहीं बल्कि गंगा जल भरा हुआ है और दूसरी अभी संतों के काम आएगा, संतों का स्पर्श मिलेगा, इनकी सेवा का अवसर मिलेगा। ऐसी किस्मत किसी किसी की होती है। मैं तो घड़े ने उसके मन के भाव को पढ़ लिया। घड़ा बोल पड़ा, बंधु मैं तो मिट्टी के रूप में सुन पड़ा था, किसी काम का नहीं था। फिर एक दिन एक कुम्हार आया, उसने फावड़ा मार मार कर हमको खोदा और गधे पर लाद कर अपने घर ले गया। वहाँ ले जाके उसने हमें रौंदा, फिर पानी डालकर गूंधा, चाक पर चढ़ाया और तेजी से घुमाया और गला काटा, फिर थप्पी मार मार कर बराबर किया। बात यहीं नहीं रुकी, उसके बाद उसने हमें भट्टे के अंदर डाल दिया। इतना कष्ट सहन करने के बाद फिर हमें बाहर निकाला और गधे पर लाद कर उसने बाजार में भेज दिया। वहाँ भी लोगों ने ठोंक ठोंक कर देखा और कहा ठीक है कि नहीं। ठोक पीटने के बाद मेरी कीमत लगाई गई तो क्या बस 20 रुपये और 30 रुपये। मैं पल पल यही सोचता रहा, हे ईश्वर हमारे साथ अन्याय ही क्यों होता है। मैं रोज एक नया कष्ट सहता था और एक नई पीड़ा मेरे साथ होती थी। मैं सोचता था कि हमारे साथ तो अन्याय ही अन्याय हो रहा है। ये सब भगवान की कृपा थी, भगवान की योजना थी जो हमें मालूम नहीं पड़ती है। किसी सज्जन ने मुझे खरीद लिया और जब मुझे गंगा जल भर के संतों की सेवा में भेज दिया तब मुझे आभास हुआ कि कुम्हार का वह फावड़ा चलाना भगवान की कृपा थी, उसका गूंथना भी भगवान की कृपा थी, आग में जलाना भी भगवान की कृपा थी और बाजार में लोगों के द्वारा ठोका जाना भी भगवान की कृपा थी। अब मालूम पड़ा कि सब भगवान की कृपा ही कृपा थी।